धमकी ये मिली कि अगर आपने, पहली बात तो ये है कि आपने नाजायज कब्जा किया हुआ है और नाजायज कब्जा भी करके दुकान भी बना ली, तो आप या तो उनसे कुछ पैसे ले लो और दुकान आप छोड़ दो इसको। अच्छा। और नहीं तो पीएफ को सारी दुनिया जानती है, हम एक बम से बहुत सारा नुकसान कर देंगे, बहुत उड़ा देंगे आपको। अच्छा। ये धमकी मिली है। कब मिली थी धमकी? ये साहब जी, ये आया है लेटर शायद 12 तारीख को या ऐसा आया है। इतनी लेट मुकर ये तेरे को लेकर वो पोस्ट ऑफिस वाला डाकिया जो है घर पे पहुंचा है, बहादुरपुर की वो थी वो मोहर इस पर डाक खाने की, और यहाँ चिकानी की मोहर नहीं थी, तो डाकिया वापिस आया है। वापिस आने के बाद में अपने ऑफिस में चिकानी की मोहर लगा कर ले गया है, फिर जो है वहां जाकर दिए। मेरा बच्चा था उस समय। इतनी लेट मुकदमा दर्ज क्यों करा है? ये साहब जी, चुनावी पीरियड चल रहा था, इस पीरियड में कोई रगड़ा झगड़ा हो जाए, इसलिए मैंने तो साहब दबाए बैठा था। फिर भी मैंने रिजल्ट का भी इंतजार किया 3 तारीख का, उसके बाद में मुझे फुर्सत नहीं मिली थोड़ी, 7 तारीख को मैंने मुकदमा दर्ज किया है। परिवादी श्री सोनलाल निवासी चिकानी ने 3 दिन पहले प्रकरण दर्ज कराया है कि नवंबर के महीने में उनको एक पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी मिली थी जिसमें उचित कीमत लेकर दुकान खाली करने के बारे में लिखा गया था और उसमें नीचे PFI लिखा हुआ था, उस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। किस तरीके को धमकी भी मिली है, इसको क्या है? हाँ, धमकी दी गई है कि भाई उचित कीमत लेकर के और इसको खाली कर दें, हम PFI हैं, इस टाइप की लिखा हुआ है उसमें। कोई मारने की धमकी वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं? दुकान के लिए धमकी दी गई है, खाली करने के लिए। तो ये प्रकरण जो है कब पता लगा है आपको? 3 दिन पहले दर्ज कराया गया है प्रकरण, 6 तारीख को दर्ज हुआ है प्रकरण। तो अब किस तरह की सुरक्षा है कि रखी गई है वहाँ पर, क्या है पूरा? नहीं, सभी तरह का पूरा ध्यान रखा गया है, परिवादी से संपर्क लगातार संपर्क में है और वहाँ वैसे भी चिकानी में चौकी है ही और हम भी लगातार संपर्क में हैं, जैसा परिवादी को कोई महसूस होगा उस हिसाब से बिल्कुल पूरी सुरक्षा की जाएगी। बाकी की अपन अनुसंधान कर रहे हैं। हाँ, इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं, हालांकि ये काफी पुराना है, इलेक्शन से पहले का है, इलेक्शन के दौर का है, 13 तारीख को चिट्ठी प्राप्त होना बता रहे हैं, लेकिन प्रकरण अब दर्ज कराया गया है तकरीबन 25 दिन बाद।